हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप बहुत आराम से बहुत आसानी से अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आपके घर में महिलाएं हो, बच्चे हो, कोई रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, उस बिजनेस को पैक करने में आपकी मदद कर सकते हैं और आप उसे मार्केट में बड़ी आसानी से सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे मात्र आप 1500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और महीने के एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बड़ी आराम से पैक हो जाएगा और आप इसे मार्केट में भी बड़ी आराम से सेल कर लोगे क्योंकि ये हर दुकानों पे बिकने वाला प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात है ये प्रोडक्ट आपको लूज में मार्केट में बड़ी आराम से मिल जाएगा। आपको इसे लाना है, पैक करना है और मार्केट में सेल कर देना है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि ये क्या बिजनेस है, किस तरीके से आपको पैक करना और क्या इसमें प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे वहां व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये है प्रोडक्ट, ये है फूड कलर। ये फूड कलर आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा। आपको इसको किस तरीके से पैक करना वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस तरीके की पन्नी मार्केट से लेनी है, बिल्कुल छोटी पन्नी है, ये आपको मार्केट से बड़ी आराम से मिल जाएगी। और आपको इस तरीके की डब्बी लेनी है, ये डब्बी भी आपको मार्केट में बड़ी आराम से मिल जाएगी। आपको कैसे पैक करना है वो मैं बता देता हूं। आपने इस तरीके की पन्नी ली, पन्नी के अंदर आपको 10 ग्राम फूड कलर डालना है, ठीक है। आपने इसमें तो इसको तोलना है, इसको ऑन कर लेते हैं। इसका 10 ग्राम वेट करना है और वेट करने के बाद 9 ग्राम आपको इसे सीलिंग मशीन से सील कर देना है। आपने इसको सील कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से मोड़ना है, ये डब्बी लेनी है और इसके अंदर इसको डाल देना है और ऊपर से ढक्कन लगा देना, ठीक है। और आपको एक छोटा स्टिकर बनवा के उसमें अपने नाम की ब्रांडिंग करके यहां पे लगा देना है। तो ये आपका एक लुक वाइज भी बहुत अच्छा बन जाएगा और आप इसे मार्केट में सेल भी कर पाओगे। इसी तरीके से मैं आपको रेड वाले को और करके दिखा देता हूं। ये देखिए आपने इसको इसके अंदर डाला। इसमें पैक करना कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है दोस्तों, आप बड़ी आराम से इसे पैक भी कर सकते हो। 8 ग्राम और पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हो। ये 10 ग्राम हो गया, अब सील कर लिया आपने इसको। ये देखिए दोस्तों ये सील हो गया, ठीक है। अब आपको फिर इसे फोल्ड करना है, एक डब्बी लेनी है, उसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। ये आपका रेडी हो गया, ये देखिए ये डब्बी रेडी हो गई। इस तरीके से आपको मार्केट में इन्हें सेल करना है। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जो आप अपने घर से ही बड़े आराम से शुरू कर सकते हो। आपको ये डब्बी है, ये डब्बी आपको चांदनी चौक में तिलक बाजार में मिल जाएगी। जो ये पन्नी है चांदनी चौक बतासा गली में मिल जाएगी। बतासा गली और तिलक मार्केट आमने सामने है, ठीक है, आप वहां आराम से ले सकते हो। ये फूड कलर भी आपको वहीं मिल जाएगा, आप मार्केट में पता करोगे आपको फूड कलर भी आराम से मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हो तो आप इंडिया मार्ट में सर्च कर सकते हो, आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो फूड कलर है ये आपको अलग अलग रेटों में मिलता है, 150 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, अलग अलग रेटों में। जिस तरीके की भी क्वालिटी आप लोगे उस तरीके से आपको पैक करना और मार्केट में सेल कर देना है। दोस्तों अगर 200 रुपए किलो के हिसाब से भी देखे तो अगर हमने इसमें 10 ग्राम डाला तो ये 2 रुपए का तो फूड कलर हो गया, 1 रुपए की डब्बी हो गई, 10 पैसे का स्टिकर हो गया, मतलब 3.5 रुपए आप अप्रोक्स मान लीजिए सारे खर्चे जोड़ के, ठीक है। 3.5 रुपए में आपका ये डब्बी तैयार हो गया। आप इसे 5 रुपए में बेच दो, दुकानदार इसे 10 रुपए में बेच देगा, आप 6 रुपए में बेच दो,
जितने में आपका तैयार हो उससे आप 1 रुपए 2 रुपए रख के मार्केट में आराम से सेल कर दो, जिस तरीके से आपकी मार्केट में सेल हो, यही तरीका होता है दोस्तों काम करने का। कुछ चीजों के रेट आपको खुद ही निकालने पड़ते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता। मैं आपको 200 रुपए किलो के हिसाब से बता रहा हूँ, क्या पता आपको 300 रुपए किलो वाला माल मिले। मैं आपको 200 रुपए बता रहा हूँ, क्या पता आपको 100 रुपए किलो वाला माल मिले। तो उस हिसाब से आपको अपनी एडजस्टमेंट कर लेनी है। जिस तरीके का आप माल खरीदोगे, जिस तरीके की क्वालिटी खरीदोगे, उस तरीके का ही आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इन प्रोडक्ट के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।